गाइस वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम जाने वाले हैं लंच के लिए बाहर, तो अभी ये जा रखे हैं बार्बर के पास फॉर द हेयर कट। उसके बाद हम निकलेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह जहां हम करने वाले हैं आज लंच और आपको भी घुमाने वाले। मैं नहा चुका हूं, कटिंग भी मैंने करा ली है, तो अब निकलेंगे हम, बस रेडी होते हैं हम भी। हम निकल रहे हैं लंच के लिए, जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि आज लंच के लिए बाहर जाएंगे, तो आपसे मिलते हैं वहीं पे जाकर। घूमी घूमी करने जा रहे हैं और वहीं मिलते हैं आपसे। और अभी डिसाइड नहीं आया कि हम किस तरफ जा रहे हैं, तो आपको हम दिखाएंगे कहाँ जा। सो मैं अभी हूँ महाराणा प्रताप इंटरनेशनल स्टेडियम के पास। तो अभी हम थोड़ी देर बैठे थे यहाँ पे धूप से कि हमने अब आगे की तरफ जा रहे हैं। ठंडा बहुत है, ठंडी हवा चल रही है, तो आगे की तरफ देखते हैं, वहीं कहीं हम लंच कर लेंगे, तो आपको दिखाते हैं आगे कैसा है। जाऊंगी, अच्छा लग रहा है। हाँ यही रुक जाऊंगी। हाँ सही रहा। अभी हम हैं डिस्क रिसोर्ट में, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे हट्स बने हैं, फैमिली लंच चल रहे हैं यहाँ पे, अच्छा गार्डन है, इनका सेटअप भी है और एक रूम का भी है। अगर किसी को आना है कभी तो बर्थडे सेलिब्रेट करना है या नाइट स्टे करना है यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा है। और अंदर भी है बैठने का, अंदर का भी दिखाऊँगा मैं आपको अभी। सो अच्छा है यहाँ पे, बढ़िया है, फैमिली के साथ आ सकते हैं। फिर क्या मंगाया आपने, ऑर्डर क्या आपका? एक पनीर लबाबदार, चार नान, एंड वन कोक। बस ठीक। सो गाइज आज हम खा रहे हैं पनीर लबाबदार एंड बटर नान, जो कि मेरा फेवरेट है, इसीलिए आज हम लंच के लिए बाहर आए हैं, क्योंकि बहुत दिन से क्रेविंग हो रही थी कि कुछ नान टाइप खाया जाए। एंड देन ये कर रहे हैं एक्टिविटीज, ये चला रहे हैं साइकिल, उसके बाद हम खाएंगे लंच। सो यहाँ पे ले रहे हैं साइकिल का मज़ा। ये साइकिल मेरे पास भी सेम है घर पे। ए हेलो, तो कैसा लग रहा है आपको ये जगह? सबसे अच्छी भी है, जिम के इक्विपमेंट्स भी है यहाँ पे। मैंने ट्राई भी करा, देखा नहीं आपने, आज मैं दिखाता हूँ। और ये टेबल भी लगी है और उस तरफ पूल भी है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे भी आप झूला झूलते हुए खाना खा सकते हैं। के बारे में आपको पता ही होगा, ये वाइपर बहुत टाइम हो गया मेरे को तो खाया। तो मैं भी देखता हूँ ऊपर क्या है, क्या है। कुछ भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, देखो पूरा बलून से, मतलब इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं भी अपना बर्थडे ही सेलिब्रेट करने आऊँगी। सो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आओ, वाइफ के साथ आओ, फैमिली के साथ आओ, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो, बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, देखिए आराम से सुकून है। स्टे के लिए इसके ऊपर भी बेड लगाए है, तो बहुत ही अच्छा बनाया है यार, बहुत बढ़िया है, बहुत ब्यूटीफुल, ये देखिए। सो अब हम जाने वाले अंदर, बाहर पे नहीं कर रहे हैं, लंच अंदर ही करेंगे। तो ठंडा हो रहा है, तो बाहर ठंडा भी हो रहा है, हवा भी चल रही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर भी कैसा है, ठीक है। आ जाओ मेरे साथ।
ये देखो यहाँ पे बैठ के भी आप यूज कर सकते हैं, झूलों के ऊपर बैठ के। ये जो ठीक मेरे सो गाइस लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस एंड माय मेरे ठीक पीछे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आप नाइट, ये किसी को नाइट स्टे करना हो तो उसके लिए भी है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे ये रिसॉर्ट क्या है यहाँ के पर नाइट, बट ये है कि अच्छा है, अच्छा लग रहा है। बैडिंग वगैरह दिख रही है, आज से हम शाम को जिम भी जाएंगे, जिम ज्वाइन कर लिया है हमने। सो शाम को हम दिखाएंगे आपको जिम कैसा है। तो आज मैंने सोचा फिर फुल डाइट ले लो, उसके बाद तो हमने इसलिए पहले कुछ आज बाहर जाके कुछ मजेदार सा खा लिया जाए। हाँ मेरे को भी, क्योंकि मेरे हाथ में इंजरी हो गई थी तो उसको थोड़ा सा रेस्ट देना जरूरी था, इसलिए मैंने जिम छोड़ दिया था बीच में ताकि ये सही से रिकवर हो जाए मेरा। और ये देखिए यहाँ पे एक प्यारा सा डॉगी बैठा है और हमारा खाना भी आ गया। चलो जी सर्व करो खाना। सो आज खाने वाले हैं टेस्टी सा फूड। और दिन टेस्टी नहीं खाती है, मतलब मेरा फेवरेट है। अच्छा चलो, हाँ बस आ प्लीज ओपन दिस। ओके गाइज, ये आ गई हमारी कॉफ़ी और बज चुके हैं 5 और आज हमारा जिम जाना हो गया बिल्कुल कैंसिल, क्योंकि अभी हम हैं मार्केट से आई थी तो कब तक घर पहुंचेंगे कोई आइडिया नहीं है, तो सोचा कि आज जिम हो गया स्किप। मेरा अमेरिकनों पीने का मन था बट मशीन ख़राब है, तो ये नॉर्मल कॉफ़ी मिली, बट अच्छा टेस्ट उसका, बहुत बढ़िया है। तो ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली आज, ऐसा लग रहा है कि घर के अंदर रजाई में बैठ जाऊँ, तो इसीलिए रास्ते में आते हुए ठंड लग चुकी है, तो मैंने कहा चलो कॉफ़ी पीते हुए चलते हैं, देन इसके बाद घर जाएंगे, फिर मिलते हैं आपसे घर पे। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ये, एलोसियस कैफे रायपुर, मतलब एकदम साइलेंट प्लेस में अगर आप बैठना चाहते हैं तो परफेक्ट, परफेक्ट फॉर कॉफी स्पेशली। जरा